हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुकी हूँ, कुल 14 प्रैक्टिस सेट है। आपके एग्जाम से पहले पूरा हो जाएगा और मैं इससे पहले सभी टॉपिक पर MCQ वो भी हाई लेवल का MCQ कराई हूँ, जो आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, इसमें हाई और लो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये मत सोचिएगा कि लो क्वेश्चन है, क्योंकि लो क्वेश्चन आप ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। क्योंकि ईजी से ईजी क्वेश्चन गलती हो जाता है और आपका कठिन क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हैं, तो उसी से नंबर कम हो जाता है। तो आपके पास टाइम नहीं है BPSC 2023 के लिए भी और आपके EMRS के लिए भी, और आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए मेरे चैनल में सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सभी में 125-25 क्वेश्चंस हैं, 14 सेट है, 14 सेट को मैं आपके एग्जाम से पहले पूरा करा दूंगी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कि अर्जुन अवार्ड कब आरंभ हुआ। तो आप सबको पता है कि अर्जुन अवार्ड 1961 में प्रारंभ किया गया, और इसमें अभी वर्तमान में धनराशि कितना दिया जाता है अर्जुन अवार्ड में, यह भी आपको याद रखना है, 15 लाख। और ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया गया है, तो इसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है, जो 1991-92 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ, जो 15 लाख दिया जाता है वर्तमान में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ, जिसमें 15 लाख वर्तमान में दिया जाता है। लाइफ टाइम ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2002 से शुरू हुआ, जिसमें 10 लाख दिया जाता है। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद 1956-57 में शुरू हुआ, जिसमें 15 लाख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितना होता है। तो सबसे पहले वॉलीबॉल के ग्राउंड कितना होता है, 18×9 मीटर, यानी कि 9 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा, तो 9 मीटर चौड़ा होता है, तो जो चौड़ाई होता है उसके दोनों तरफ एक एक मीटर पर पोल गाड़ा जाता है, तो 9×2=11, यानी कि कितना होता है पोलों से पोल के बीच की दूरी, 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। तो आप सबको पता है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन है। दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। भोजन को जो है कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट वसा है, एंड शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीन है, और शरीर की रक्षा करने वाले विटामिन एंड मिनरल्स यानी कि खनिज लवण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का कब प्रारंभ किया गया था। आप सबको पता है यह 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, तो 100-200-400 मीटर में हिट्स की आवश्यकता होती है, बट 1000 मीटर में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुधिर दाब को मापने का यंत्र का नाम क्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से मांसपेशी कार्य क्षमता मापी जाती है, स्पायरोग्राफ से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है दोस्तों। और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से हमारे त्वचा द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम NSS की स्थापना कब हुई, तो 1969 में इसका स्थापना किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कि भारतीय उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है, और पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, तो दोस्तों एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है, तो इनमें से सभी जो है एथलेटिक्स के अर्जुन पुरस्कार विजेता है प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्विन नचप्पा। प्रवीण कुमार को 1967 में दिया गया अर्जुन पुरस्कार, बहादुर सिंह को 1975 में, एंड नचप्पा को 1988 में।
क्वेश्चन नंबर 12 है, स्केलेटल मसल्स द्वारा प्रत्येक सेमी स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 से 4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्थियों के कार्य हैं। तो दोस्तों अस्थियां क्या कार्य करती हैं? अस्थियों के अंदर ही तो जो हमारे कोमल अंग है, फेफड़े हैं, हृदय है, पैंक्रियाज है, छोटिया सभी सुरक्षित हैं, ठीक है, तो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और जो लंबी अस्थियां होती हैं वो लीवर का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है? दोस्तों तो भार का प्रोग्रेशन, लगातारता एंड प्रशिक्षण का चक्र, ये प्रशिक्षण के खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है लेकिन इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो कौन संकुचित होता है? तो हमारा जो फाइबर होता है, मायोफाइबर, वो संकुचित होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों मांसपेशियों में एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, और एक्टिन के मायोसिन छड़ों पर खिसकने से मांसपेशी जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि संकुचित होती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, जल चिकित्सा का अर्थ है, दोस्तों जल चिकित्सा का अर्थ है पानी से उपचार, या इसको हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो जो ट्रेनिंग साइकिल है तीन भागों में है, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो है 3 से 12 महीने का होता है, यहाँ पे 12 महीने राइट हो जाएगा, और मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह का होता है, एंड माइक्रो चक्र 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों चौड़ाई जो होती है 3 मीटर होती है वाटर पोलो मैच में, जैसा कि दोस्तों वाटर पोलो की मैदान की माप जो है 30x20 मीटर होती है, और जिसमें पानी की गहराई होती है वाटर पोलो में वो 180 सेंटीमीटर यानी कि 1.80 मीटर होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो है प्रसार कैसे होता है? तो ये वायु द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इन सभी के द्वारा फैलता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माध्यम से। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो वह है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो ओवर हेड पास जो है वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ यूज डिसयूज यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों लॉ पुरस्कार और दंड का सिद्धांत भी उसको बोला जाता है, तो यह प्रभाव के नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, राउंड रॉबिन को दिया गया एक नाम है, तो दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट को कहा जाता है? तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। लीग टूर्नामेंट जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है, लीग टूर्नामेंट जो है 2 प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n(n-1)/2, और डबल लीग में n(n-1), ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों वो है लैरिसा लैटिनिना। कौन है सर्वाधिक पदक जीतने वाली? लैरिसा लैटिनिना, जिन्होंने कुल 18 पदक जीते जिसमें से 9 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से 14 पदक और सामूहिक रूप से 4 पदक प्राप्त किए। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है कि जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफी। लेकिन जब पूछेगा कि जब नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशी में वृद्धि होता है तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी, और जब कमजोर और छोटी हो जाती है तो ऑटोट्रॉफी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है
कि फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? तो बहुत फास्ट खेला जाता है बास्केटबॉल आपका, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रोटीन किसको मजबूत बनाता है? तो हमारे पेशियों को, पेशी उत्तक को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है कि हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? तो आप सबको पता है कि जो बाएं वेंट्रिकल यानी बायां निरय होता है, उससे जो है रक्त, शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाती है, महाधमनी के माध्यम से समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बायां वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं का से संबंधित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा फिटनेस? तो कार्यात्मक फंक्शन की बात हो जाएगी, तो फिजियोलॉजिकल फिटनेस होगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हिंदी में दैहिक लिखा है लेकिन इंग्लिश में होगा फिजियोलॉजिकल फिटनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है? तो आप को मैं बताई हूँ ट्रिक के साथ दोस्तों, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन चारों के बारे में उस वीडियो को देख लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं डेकाथलॉन पुरुषों की प्रतियोगिता है, कंबाइंड इवेंट है, 10 इवेंट होता है, प्रथम दिन 5, दूसरे दिन 5 और कुल इवेंट 10 होते हैं, जिसमें से 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। प्रथम दिन जो होता है 5 इवेंट, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, 60 फुट ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़ होता है, और दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं है डेकाथलॉन में सम्मिलित? तो 100 मीटर दौड़ है, जेवलिन थ्रो है, लंबी कूद भी है, लेकिन 800 मीटर दौड़ नहीं है, यह आपका हेप्टाथलॉन में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि हाफ स्टेप एवं जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह त्रिकोण ट्रिपल जंप के नाम से जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है कि ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, इनमें से कौन सा मेल गलत है दोस्तों? तो यहाँ पे सभी चीजें गलत दिया गया है, आसन सही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि इसमें आपको पता है कि ओलंपिक प्रतीक चिन्ह जो हमारा झंडा है दुधिया कलर का होता है, सब दुधिया सफेद होता है, जिसको 1913 में बीआरडी कुबर्टिन ने बनाया और 1914 में मान्यता मिली और 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया, और इसमें 5 छल्ले होते हैं अंग्रेजी के डब्ल्यू अक्षर के समान, और 5 छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। नीला यूरोप महाद्वीप के प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप के, काला ऑस्ट्रेलिया, काला अफ्रीका महाद्वीप के प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है, और लाल अमेरिका है। यहाँ पे आसन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाना है, तो उसके लिए कौन सी सीचर पद्धति उपयुक्त होगी? तो कक्षा दो के बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुकरण, अनुकरण विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा, ये सभी के सभी क्या है, पदक विजेताओं में सम्मिलित है। 1896 में लिएंडर पेस में टेनिस में कांस्य पदक जीता, 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीती भारोत्तोलन में, अभिनव बिंद्रा जो है 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो मिल्खा सिंह यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट एक हड्डी दूसरे हड्डी पर सरकता है, जिसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं, इसमें कार्पस और टार्सस ज्वाइंट आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? तो दोस्तों बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है, इसमें से आपको आंसर राइट है, डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है, ठीक है, डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है, आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर को जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है रेडियो टेलीमेट्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अविस्तार करने में कौन सी मांसपेशी यूज होती है? तो दोस्तों मोड़ने में, फ्लेक्शन करने में हमारा बाइसेप्स मसल्स, और एक्सटेंशन यानी विस्तार करने में ट्राइसेप्स मसल्स, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है
लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। तो दोस्तों यह कम से कम 9 से 13-14 वर्ष तक में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा राइट है, 13 से 19 साल। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? तो वो है कैंप फायर। क्वेश्चन नंबर 43 है, योग चित्त वृत्ति निरोधा परिभाषा किसने दी है? दोस्तों तो यही सब क्वेश्चन पूछता है। अगले बार पूछा था योग समाधि है, किसने दिया था? तो वेद व्यास ने दिया था। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं बिना प्रैक्टिस के। तो यहाँ पे योगा चित्त वृत्ति निरोधा किसने दिया है? तो महर्षि पतंजलि ने दिया है। इन्होंने योग सूत्र लिखा है जिसमें अष्टांग योग की बात कहा है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा परिभाषा दिया है किसने? तो महर्षि पतंजलि ने दिया है। यानी कि चित्त की वृत्तियों को रोकने या मन के आवेगों को नियंत्रित करना ही क्या है? योग है। और योग समाधि है किसने दिया है? तो वेदव्यास ने दिया है। श्री कृष्ण कहे हैं कि योगा कर्म सुकौशलम, कर्म करने का कौशल ही योग है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो निरुत्साहित प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं। जैसे कि हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को 4 भागों में डिवाइड किया है। कफ प्रवृत्ति वाले कोलेरिक, काले पित्त वाले मेलनकोलिक, पीले पित्त वाले प्लाग्मेटिक एंड अधिक रुधिर वाले सैंग्यूनिक। क्वेश्चन नंबर 45 है, बैरन पियर डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे? दोस्तों तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। एक शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। ये आपका आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक भी हैं। 23 जून 1894 के उन्होंने IOC की स्थापना किया और 1896 में इन्होंने प्रथम ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, खींचना यानी पुलिंग, धक्का देना यानी पुशिंग समांतर समान किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका कुश्ती, तीरंदाजी और रोइंग, तीनों में इस प्रकार का स्किल प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो आप समझ सकते हैं ग्लाइकोजन जो है ज्यादा मात्रा में हमारे मांसपेशियों में रहेगा तो जल्दी हम नहीं थकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो यह B1 यानी कि थायमिन की कमी से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो 16 अंडर 16 के लिए विजय मर्चेंट ट्रॉफी होता है। यहाँ पे देदर ट्रॉफी, विजय मर्चेंट रणजी ट्रॉफी एंड कुछ बिहार, चारों के चारों आपके क्रिकेट से ही रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बाल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? तो 8 सेकेंड के अंदर पहुंचा देना चाहिए। यानी कि 8 सेकेंड नियम के अनुसार जब किसी टीम के मैदान के पिछले भाग में गेंद प्राप्त हो जाती है तो उसे 8 सेकेंड के अंदर उसे कोर्ट के अगले भाग में ले जाना पड़ता है। और एक नियम होता है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड नियम के अनुसार जब गेंद किसी टीम के अधिकार क्षेत्र में हो तो उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी विरोधी टीम के पंक्तिबद्ध क्षेत्र में 3 सेकेंड से अधिक नहीं रह सकता। अधिकार क्षेत्र यानी प्रतिबंधित एरिया जो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, मेरुदंड यानी वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कुल 33 होती है, लेकिन यही 33 जो हड्डियां होती हैं वयस्कों में जा करके जो सेक्रल और कॉक्सीजियल होता है, सेक्रल जो है 5 जो मिलकर 1 हो जाती है, कॉक्सीजियल 4 मिलकर 1 हो जाती है। तो बचता कितना है? 26। यानी कि बच्चों में 33 होता है, वयस्क होने पर 26 हड्डियां बचती है मेरुदंड में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? तो आप सबको पता है 1980 मास्को ओलंपिक में।
कब जीता था? 1980 मास्को ओलंपिक में। जैसा कि सबसे पहले भारत ने हॉकी में भाग लिया था 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में, जिसमें सबसे पहले भारत ने स्वर्ण पदक जीता और उसमें कप्तान थे जयपाल सिंह। और 1928 से लेकर 80 में लास्ट स्वर्ण पदक 1980 मास्को ओलंपिक में जीते। और अभी तक में हॉकी में भारत 12 पदक जीता है, जिसमें से 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीता है, एंड 1 रजत 1960 में जीता है, और 1968 1972 और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, कि बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई? बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई? तो बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत 1903 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी 9 होते हैं, स्थान पर 5 होते हैं, 6 होते हैं, 9 6 15 यानी कुल खिलाड़ी 15 होते हैं, और खेलने वाले प्रत्येक टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो कौन सा शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं अंगों के विकास के लिए? तो शारीरिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है दोस्तों? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना क्लब है, ठीक है। फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब कौन है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब 24 अक्टूबर 1857 इंग्लैंड में शुरू हुआ, स्थापना किया गया। और भारत का सबसे पुराना क्लब है फुटबॉल का डलहौजी क्लब 1880 पश्चिम बंगाल कोलकाता में। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया दोस्तों? तो यह है जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना पड़ता है? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में 28 बाधाएं होती हैं और 7 वाटर जंप होती हैं, यानी कि कुल 400 मीटर ट्रैक है तो कुल 35 बाधाएं हुआ, तो 7 × 5 = 35, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों 7.5 राउंड की जरूरत होती है, कितना? 7.5 राउंड। प्रत्येक राउंड में जो दोस्तों प्रत्येक राउंड में क्या होता है, प्रत्येक राउंड में 4 बाधाएं और 1 पानी बाधा होती है, इस प्रकार 7.5 राउंड इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? तो दोस्तों आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक 3 होते हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। जो आइसोमेट्रिक होता है सेम लंबाई होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लंबाई सेम होती है, गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है। आइसोटोनिक जो होता है तनाव सेम होता है लेकिन लंबाई चेंज होता है। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक 2 प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक में लंबाई कम होती है, इसेंट्रिक में लंबाई ज्यादा होती है। तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें सेम गति होती है, मशीनों द्वारा किया जाता है, पानी वाले खेलों जैसे तैराकी रोइंग आदि में होता है। तो इसमें मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होने की बात कहा है, तो आइसोटोनिक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता है ये हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीटअप जो है ये आपका थर्ड प्रकार के लीवर का उदाहरण है, जिसमें फोर्स बीच में होता है। एंड वी सीटअप जो है ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, जिसमें एक्सेस बीच में होता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है पुशअप जो है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, जिसमें जो है भार बीच में होता है। तो पुशअप आपका राइट होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस को एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 2008 में हुआ था बीजिंग ओलंपिक, तो इसमें टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था राफेल नडाल। कौन जीता था? राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है?
कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का उदाहरण है? तो हवा में फेंकी गई गेंद। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ये बताता है कि किस एंगल पर फेंके तो ज्यादा दूरी तय किए, तो 45 अंश पर ज्यादा दूरी तय करती है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों पुलअप्स भी है, डिप्स भी है, पुशअप भी है, जबकि शटल रन नहीं है क्योंकि ये एजिलिटी डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो रिक रोमेंट भी है, डियोगो मैराडोना भी है, बेन जॉनसन भी है, कार्ल लुइस डोपिंग का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से संबंध प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसके है दोस्तों? यह परिभाषा है डी आवरेट यूफर का। किसका परिभाषा है? डी आवरेट यूफर का परिभाषा है। यानी कि क्वेश्चन डाविड शारीरिक शिक्षा का परिभाषा से क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए आप परिभाषा जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा का मैं एक वीडियो बनाई हूँ शारीरिक शिक्षा का अर्थ परिभाषा में, और उस वीडियो से आपके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया की बात करें अनुभवों के साथ, तो वह डेल्बर्ट आवरेट यूफर का परिभाषा होगा। जब भीतरी यानी केंद्रीय अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में परिवर्तन की बात करें तो वहां पे रोजालन कैसिडी का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि खेल कूद प्रशिक्षण में अति भार का संबंध उस स्थिति से, अति भार का मतलब ये होता है दोस्तों जितना आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर उतना पर्याप्त मात्रा में आपकी मांग पूरा नहीं हो पा रहा है और फिर भी आप कर रहे हैं प्रशिक्षण, तो आप ओवरलोड हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस दवा या रसायन का यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर में दर्द, हृदय गति रुक जाने का खतरा सामने आता है? वो है बीटा-2 एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि खेल के अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति के सिद्धांत को किसने दिया था? तो अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति यानी सरपल्स एनर्जी थ्योरी दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मोटापा जानने की विधि है। बीएमआई की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो बीएमआई का गणना करने का सूत्र है वेट इन केजी अपॉन मीटर, हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो किग्रा में वजन और मीटर में लंबाई का स्क्वायर, यानी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन कौन करता है? शारीरिक क्रियाओं की बात कर रहा है तो खेल मनोविज्ञान कौन करता है दोस्तों? खेल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्न में से कितने के मध्य हॉकी का गेंद का भार होता है? तो हॉकी गेंद का वजन जो होता है वेट होता है 156 से 163 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा मानव के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है दोस्तों? तो यहाँ पे आयोडीन और लोहा जो है सूक्ष्म तत्व है, जबकि मैग्नीशियम और सोडियम जो है आपका प्रमुख तत्व है, सूक्ष्म तत्व नहीं है। यहाँ पे वो 2 और 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी आयोडीन, लोहा, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल आदि मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि दीर्घ तत्व हैं, यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जबकि आयोडीन लोहा क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उनमें कोई गति न हो तो यह संकुचन विधि क्या कहलाती है? तो आप सबको पता है आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 76 है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हल्का, सख्त, मध्यम प्रकार का कि लगातार? तो दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज करेंगे जब तक लगातार नहीं करेंगे तो वो सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लगातार व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मनुष्य के समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो दोस्तों यह है सामाजिक तौर पर लोगों से बातचीत करना।
क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है। तो 12 मिनट वॉकिंग है, बॉडी मास मापना है, सिट एंड रीच टेस्ट है जो फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, बट आपका ऊंचाई मापना ये आपका फिजिकल फिटनेस को मापने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हल्का है तो मैं पढ़ दे रही हूँ। शारीरिक शिक्षा की व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों बौद्धिक विकास की बात कर रहा है, तो इसमें क्या सही होगा कि ठीक ढंग से सोचने और समस्या को हल करने की योग्यता होती है जिसमें बौद्धिक विकास अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कब कौन से वर्ष में कराए। तो पहली बार 1951 में नई दिल्ली में भारत में हुआ था, और दूसरी बार भी 1982 में नई दिल्ली में भारत में हुआ था, और 2022 का जो ह्वांगझो चीन में होना था 2023 में हुआ है, जिसमें भारत ने 107 पदक प्राप्त किए हैं। याद रखिएगा अब तक में एशियन गेम में भारत ने पहली बार सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा पदक अभी तक में है 107 पदक ह्वांगझो चीन में, वो भी भारत ने 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य पदक, यानी 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य पदक, कुल 107 पदक जीता है, जिसमें से प्रथम स्थान चीन है 382 कुल पदक, जापान दूसरे स्थान पर है 186 कुल पदक, और कोरिया जो है वो 190 में है, भारत चौथा स्थान पर है। ये भी याद रखिएगा भारत एशियन गेम 2023 में 22 में कौन सा स्थान पे है, चौथा स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 81 है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। दोस्तों तो उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार क्या है। दोस्तों तो यह एक व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है सूर्य नमस्कार, इसमें जो है 12 आसन विभिन्न चरणों में संपन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों कि आपको मिलान करना है यहाँ पे 82 में, तो यहाँ पे कंधा जो है किसमें होगा, बाल एंड सैकेट ज्वाइंट ए का 4 हो जाएगा। कोहनी किसमें है, कोहनी का हो जाएगा ग्लाइडिंग कोहनी हिंज ज्वाइंट हो जाएगा बी का 3, तो ए का 4 बी का 3। एंड गर्दन किसमें हो जाएगा, पीवट ज्वाइंट, गर्दन किसमें होगा, पीवट ज्वाइंट सी का 2। एंड कलाई जो है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट होता है, बट यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे ग्लाइडिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आसन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च स्तर देखा गया है, तो किसमें, स्कोलियोसिस में जो स्पाइन जो है एक कंधा एक तरफ और हिप दूसरी तरफ मुड़ जाता है, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन होता है, यानी कि यहाँ पे तीरंदाजी और जिमनास्ट और तैराक, ठीक है, जिमनास्ट और तैराक में सबसे ज्यादा स्कोलियोसिस देखा गया है। एस सी और एस आकार का होता है, स्कोलियोमीटर से इसको मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का आप विशेष ध्यान देंगे या महत्व है, यानी कि खेल उपकरण को इक्विपमेंट का आप खरीद रहे हैं तो क्या ध्यान देंगे, खेल उपकरण नई हो परंतु गुणवत्ता सामान्य हो, कि गुणवत्ता बजट के अनुसार हो, आदेश न्यायोचित हो। तो यहाँ पर यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि खेल को अब जब खरीदते हैं उसमें क्या ध्यान देंगे, तो गुणवत्ता युक्त हो, बजट के अनुसार हो एवं आदेश न्यायोचित हो। क्वेश्चन नंबर 86 है कि बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है। तो दोस्तों बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी राइट है, एक टीम का सातवां फाउल पूरा होने पर, एक और एक का नियम लागू होता है। कैसे, जब किसी टीम के खिलाड़ियों से आधा पारी में समाप्त पारी में 7 व्यक्तिगत अथवा तकनीकी फाउल हो जाए तो उसके पश्चात इस प्रकार के सभी त्रुटियों पर एक और एक का नियम लागू होता है। इस एक और एक नियम के अंतर्गत किसी भी खिलाड़ी द्वारा फाउल होने पर जिस विपक्षी खिलाड़ी के विरुद्ध फाउल किया गया हो तो उसे फ्री थ्रो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक, इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया, तो बंदर यानी चिंपांजी पर किया। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों कि निम्न में से
कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं है? तो टेनिस में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पे यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन है, लेकिन स्वीडिश ओपन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का गठन 1927 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष दुराबजी टाटा हैं, टाटा थे, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना है कि प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़िए, पंजीकरण के पश्चात प्रतियोगी अपना नाम वापस नहीं ले सकता था, बात सही है। दास ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, ये भी बात सही है। केवल यूनानी इन खेलों में भाग ले सकते थे, ये भी बात सही है। डी है, औरतें ओलंपिक में भाग ले सकती थी, एक गलत है, क्योंकि औरतें ओलंपिक में भाग प्राचीन ओलंपिक में नहीं ले सकती थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिमनास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट आंसर दिया हुआ है 200 प्लस सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 93 है, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब छोटी होती है लंबाई में तो कंसेंट्रिक कहते हैं, तो कंसेंट्रिक राइट होगा, जब लंबी होगी तो इसेंट्रिक कहते हैं, ये आइसोटोनिक का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 94 है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? वह होता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 95 है, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है कि कॉर्नर, इसमें कौन सा कथन सत्य है, ये आपको देखना है फुटबॉल के बारे में। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि आपसे सीधे गोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, और सभी को ऑप्शन जो है इसमें सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वॉलीबॉल मैच में एक से चार सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट और कितने समय के लिए ले सकता है? तो प्रत्येक टीम दो टाइम आउट 30-30 सेकंड का ले सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दो टाइम आउट प्रति सेट में 30 सेकंड का ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच टाई हो जाए, मैच का कोई निर्णय नहीं, यानी कि टाई होने पर अतिरिक्त समय दिया गया, अतिरिक्त समय देने, एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकलता है, तो रेफरी निर्णय में से किसके द्वारा मैच का फैसला करता है? तो पेनाल्टी किक के द्वारा फैसला करता है, इसमें भी निर्णय नहीं निकलता है तो सडन डेथ लागू करता है। 97 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 98 है, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? दोस्तों आप सबको पता है, जेम्स नेस्मिथ ने आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किया अमेरिका में 1891 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99 है, बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। बारामती स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो बैरन पियर डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में किया, ईरान के एथेंस के पैराथोनिक स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 101 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, और यहीं पे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब, तो विश्व कप में सबसे प्राचीन कौन था? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो 22 अक्टूबर 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। यहाँ पे भारत का सर्वाधिक प्राचीन पूछा है तो डलहौजी क्लब।
भारत का सर्वाधिक प्राचीन कौन है क्लब? डलहौजी क्लब, जो 1880 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थापित हुआ था और इसे भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब माना जाता है। और मोहन बगान एथलेटिक क्लब की स्थापना 1889 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्टर्नम यानी कि उरस्थि कहाँ पे स्थित होता है? तो यह वक्ष में छाती पे स्थित होता है, जिसमें दोनों तरफ पसलियां रिब्स होती हैं 12 जोड़ी, यानी 12 दुना 24। क्वेश्चन नंबर 104 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो परजीवी से फैलता है, प्रोटोजोआ से। मदा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है, तो ए का वन हो जाएगा। टीबी किससे फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस, तो ए बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम टीबी फैलता है आपका बैक्टीरिया से, याद रखिएगा। इसके जो जीवाणु का नाम है थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड खसरा किससे फैलता है? तो यह वायरस से फैलता है। मधुमेह एंड डायबिटीज किससे फैलता है? तो पैंक्रियाज में खराबी के कारण जो इंसुलिन के कम स्त्राव से फैलता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है सी एच कूले का। क्वेश्चन नंबर 106 है कि मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है? तो मोटर घटक के लिए यहाँ पे कौन सा जो ट्रेनिंग है वह अपेक्षित होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाटलेक ये सब आपके हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ये सहनशीलता के लिए हैं। तो ये मोटर घटक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो ये प्लायोमेट्रिक अभ्यास राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि हॉकी स्टिक में होता है तो हैंडल और हेड होता है। हॉकी स्टिक में क्या होता है? हैंडल एंड हेड होता है। हॉकी स्टिक को तीन भागों में बांटा गया है, हेड, हैंडल एंड स्प्लाइस। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? सतत प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल, लगातार प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग विधि, इसकी खोज किया था डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन आकन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है, वॉलीबॉल में हाल की ऊंचाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना होती है? तो इंडोर के लिए हाल की ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर होती है, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल बास्केटबॉल के लिए 7 मीटर एंड बैडमिंटन के लिए 9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आप सबको पता है 2.24 मीटर होता है महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? रिकिशनल थ्री दिया था, GW पैट्रिक ने। एंड क्वेश्चन नंबर 113 है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, कथन किसका है? तो अरस्तु का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर, यानी कि 26,385 गज होती है। ठीक है, शुरुआत ट्रैक में एक चक्कर लगाकर होता है और शेष दौड़ जो है पक्की सड़क पर होती है, और इसमें जगह जगह पर स्थानों पर अल्पाहार केंद्र होता है। प्रथम जो है केंद्र 11 किलोमीटर यानी 7 मील की दूरी पर, और अन्य जो है 5-5 किलोमीटर यानी 3 मील की दूरी पर होता है। अल्पाहार केंद्र पर खिलाड़ी जल लेकर अपना शरीर स्पंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
115 है कि किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय यानी खेल विश्वविद्यालय है, तो आप सबको पता है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्रीड़ा विश्वविद्यालय आपका मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। एंड क्वेश्चन नंबर 116 है कि बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बाल उछालने को क्या कहते हैं, तो उसे जंप बॉल कहते हैं। ठीक है, और जंप बॉल से बास्केटबॉल खेल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि शिविर का अनुशासन कैसा होता है, तो दोस्तों शिविर का अनुशासन कठोर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 118 है कि एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है यदि सतह सिंथेटिक हो, तो 9 mm यानी कि 9 mm आपका लंबा स्पाइक होता है जो घर्षण बल को बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए स्पाइक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि जूतों में स्पाइक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 119 है कि यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अनुभव अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार खेल में आता है, तो यह संवेगात्मक इमोशनल खेल में आता है। क्वेश्चन नंबर 120 है लाल तंतु से बने स्लो ट्विस्ट मांसपेशियां उपयुक्त होती हैं, तो दोस्तों दो प्रकार की मांसपेशी तंतु होता है, रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स स्लो ट्विस्ट फाइबर, व्हाइट ब्लड सेल्स फास्ट ट्विस्ट फाइबर। व्हाइट ब्लड सेल्स फास्ट ट्विस्ट होता है शक्ति वाले खेलों में, कम समय वाले खेलों में ज्यादा प्रयुक्त होता है। एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर जो होता है यह लंबी समय की क्रियाओं यानी एंड्योरेंस वाले खेलों में ज्यादा प्रयोग होता है, यह सहन शक्ति के लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन कौन है, तो वह कैंप का प्रबंधन करने से नेतागिरी का विकास होता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी दिया जाता है प्रत्येक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्न में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित किया करते हुए कहा है कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 123 है योगा कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दिए है, तो कर्म की बात करें तो भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता के अनुसार योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता ही योग है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 124 है कि किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर दिया जाता है, तो दोस्तों नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर दिया जाता है डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में। किसमें? डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में, यानी कि डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में जो है प्रत्येक टीम दो बार पराजित होने पर ही टूर्नामेंट से बाहर होती है, यानी कि सिंगल नॉकआउट विजेता को वास्तविक विजेता तय करने के लिए कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट के विजेता के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो जीतेगा वो डबल नॉकआउट विजेता होगा। क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष प्रशिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, तो जो विशेष प्रशिक्षण विधि है यह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है, यानी कि विशेष प्रशिक्षण विधि का उपयोग अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है, यानी योग्य अध्यापक पिछड़े हुए बालकों को ऐसी परिस्थितियों में रखता है जिनमें वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे क्रमशः अपनी और वे क्रमशः कठिन परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं, और पिछड़ेपन के सुधार में अध्यापक को योग्यता और व्यवहार का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के सेशन में 125 क्वेश्चंस पूरा हुआ, ये प्रैक्टिस सेट 3 था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और दोस्तों इसी प्रकार 14 प्रैक्टिस सेट है, तो और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में मैं मिलूंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।